हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेलिप्सा। और आज सेकंड डे है और आज हम सीखेंगे कि नॉर्मल वैक्स कैसे करते हैं। तो फिर यहाँ पे ट्रेनिंग भी चल रहा है और हम लोग ट्रेनिंग के साथ साथ आपको भी सिखाएंगे कि कैसे वैक्सिंग करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ड्राई है या वेट है, अगर वो मॉइस्चराइजर या कुछ भी लगाए होंगे तो पहले हम उसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे और उसके बाद ही हम पाउडर लगाएंगे। तो इनका हाथ क्लीन है, पाउडर लगाएंगे। अच्छी तरह से पाउडर लगना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल वैक्स से क्या प्रॉब्लम होता है, अगर पाउडर अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो स्टिकी स्टिकी रह जाता है और क्लियर से उठता नहीं है। तो हम अच्छी तरह से पाउडर लगाएंगे, ऐसे करके पाउडर लगाएंगे। पाउडर लगाने के बाद हम यहाँ पे वैक्स गरम कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे वैक्स गरम हो गया है ना। आप पहले वैक्स देखिए, वैक्स गरम हो गया है। ज्यादा गरम भी अच्छा नहीं होता है, तो देख के आप चेक कीजिए इतना ठीक है। ऐसे लेके बहुत पतला पतला लेयर में लगाएंगे। अभी हम वैक्स लेके इसे बहुत पतला पतला लेयर में लगाएंगे। और ऐसे लेके आप ऐसे पतला पतला लेयर में ऐसे लगाएंगे। और आप बिगनर्स हो तो आप पहले छोटा छोटा पार्ट करके लगाएंगे, एक साथ पूरा नहीं लगाएंगे। ठीक है, मेरा एप्लीकेशन हो गया है, मैं अभी रिमूव करूंगी। ऐसे वैक्स स्ट्रिप लेके इसके ऊपर रखिए, इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मालिश करके कीजिए। ऐसे ऐसे करने के बाद आप, अगर आपका क्लाइंट का हाथ थोड़ा लूज है तो आप ऐसे नीचे से थोड़ा पकड़िए, नहीं तो ज्यादा फुल होता है। नीचे से टाइट करके पकड़िए और ऊपर से रिमूव कीजिए। देखिए क्लीन हो गया। ऐसे करके आप सारा वैक्स निकाल दीजिए और नीचे की तरफ से ऐसे आप ऐसे करके पकड़िए, ताकि आपके क्लाइंट को ज्यादा पेन नहीं होगा या जिसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे उनको ज्यादा पेन नहीं होगा। अगर हम नहीं पकड़ेंगे, स्किन लूज होता है तो ज्यादा पेन होता है, तो और ज्यादा पेन होने के बाद फिर रैश हो जाता है, नहीं तो पिंपल्स या घमोरी टाइप का हो जाता है। देखिए मेरा पूरा इवनली रह रहा है, आप भी पूरा इवनली लगाइए, बहुत पतला उठाइए स्पैचुला में ऐसे करके। देखिए पूरा क्लीन हो गया। ये इसीलिए एक बार में गया क्योंकि स्किन बहुत ड्राई था, क्लीन था। अगर आपका स्किन वेट होगा, अगर आपका स्किन में स्वेटिंग आएगा, स्वेटिंग होगा, तो ये अच्छी तरह से क्लीन नहीं होगा। ये क्लीन था, हो गया। तो आप जब भी करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद ही आप वैक्स अप्लाई करेंगे। जब भी लगाएंगे तो सिक्वेंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से लेके सिक्वेंस से इक्वली हम करेंगे। यहाँ पे करेंगे तो फिर भूल जाएंगे यहाँ पे है या नहीं, तो इक्वली करेंगे हम। तो और थोड़ा प्रेशर भी देंगे, यहाँ पे अप्लाई कीजिए। और जहाँ पे याद रखिए, जहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं वहां पे अवॉइड कीजिए कि वहां पे दोबारा अप्लाई ना हो। अगर आपका बीच बीच में क्या होता है स्टिकी स्टिकी हो जाता है नॉर्मल वैक्स में, तो हम उसी टाइम थोड़ा सा उसके ऊपर पाउडर लगा देंगे और हमारे हाथ में भी थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा देंगे तो इजी रहेगा उठाने में। तो आप इसको पूरा रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं फिर जो वैक्स पूरा लगी थी वो हफ्ता अठारह लगे चुकी नहीं जितने पाउडर किए लगे पड़ चुके हफ्ता ड्राइवर चाहिए पूरा साइज करके एमती लगे एमती रफली लगे
मैं स्लो रखती हूँ, मैं प्रेशर बताने ऐसे पतला पतला लेयर में करना है, छोटा छोटा ही करेंगे और डिरेक्शन चेक करेंगे। मेन चीज डिरेक्शन, जो डिरेक्शन जिस साइड में गया होगा आप उसका ऑपोजिट डिरेक्शन में ही रिमूव करेंगे। तो मेरा जो डिरेक्शन है इस साइड है, तो इसलिए मैं ऐसे स्ट्रिप डाल के इस उसका जो ऑपोजिट साइड है उस साइड में रिमूव करेंगे। देखिए पूरा अच्छी तरह से क्लीन हो रहा है। वैक्सिंग में बस आप ड्राई रखेंगे स्किन और डिरेक्शन चेक करेंगे तो हो जाएगा। ये सही करेंगे। और हाँ, ये पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे जब वैक्स लगाएंगे वैक्स ज्यादा गर्म ना हो, और जब लगाएंगे बहुत पतला लेयर में लगाएंगे और छोटा सा पैच लगाएंगे और तुरंत उठाएंगे। अगर ज्यादा दिन रख देंगे तो यहाँ पे किसी किसी का बहुत सेंसिटिव होता है तो वो क्या होता है, कट हो जाता है स्किन में, नहीं तो निकलता है। तो हम बहुत लाइट एप्लीकेशन करेंगे और फटाक से कर देंगे। तो यहाँ पे तो मैं कर चुकी हूँ वैक्सिंग, अब हम नीचे ही करेंगे। और ये पार्ट में ज्यादातर होता नहीं है, ज्यादा है इसलिए मैं बड़ा एप्लीकेशन करके रिमूव कर रही हूँ, पर आप छोटा छोटा कीजिए क्योंकि मेरा मैं करते आ रही हूँ इसलिए मैं की। और आप जब भी करेंगे छोटा छोटा पैच ही करेंगे, जब तक आप में वो कॉन्फिडेंस ना आए तब तक आप छोटा ही करेंगे। देखिए ये भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गया। अभी हम नीचे ये सही करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, आपका डायरेक्शन जो है, मैं आपको बोल रही हूँ कि डायरेक्शन आपको जो भी हो चेक करना पड़ेगा। डायरेक्शन जिस हिसाब से होगा आपको उसी उसके ऑपोजिट साइड में ही स्ट्रिप लगाना है और एप्लीकेशन भी उसी साइड ही एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे मेरा डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन जो है अपर टू डाउनवर्ड है, तो हम एप्लीकेशन भी अपर टू डाउनवर्ड ही करेंगे। और हम जब रिमूव करेंगे तो डाउनवर्ड टू अपर ही रिमूव करेंगे। तो पहले हम एप्लीकेशन करते हैं। पहले एप्लीकेशन हम देखिए ऐसे आप छोटे छोटे पैच में करेंगे, मैं थोड़ा बड़ा पैच कर रही हूँ क्योंकि मैं करती आ रही हूँ तो मेरे लिए इजी है। आप जब करेंगे छोटे छोटे करेंगे। देखिए मैं अपर टू डाउनवर्ड एप्लीकेशन कर रही हूँ और बहुत पतला पतला लेयर करके कर रही हूँ और इक्वल करके कर रही हूँ। मेरा हाथ थोड़ा स्टिकी हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा पाउडर लगा रही हूँ ताकि मेरा हाथ स्टिकी ज्यादा ना हो। फिर मैं अभी उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके रखूंगी, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके, और नीचे ये एरिया ऐसे टाइट करके पकड़ूंगी, ये एरिया ऐसे टाइट करके पकड़ूंगी, फिर रिमूव, फिर ऐसे करके रिमूव। देखिए कितना अच्छी तरह से क्लीन हो रहा है। और नीचे की जब यहाँ पे करेंगे तो हम ये नीचे की तरफ थोड़ा सा खींचेंगे, ऐसे करने से हमारा स्किन थोड़ा टाइट करके रहता है और हम जब नहीं होता है जब रिमूव करते हैं तो स्किन पुल नहीं होता है। तो ऐसा अच्छी तरह से इस तरह करके रिमूव, ठीक है। आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए हो जाएगा। और बाद में अगर छोटे छोटे पैन पे भी उसका वैक्स लगाओ तो जस्ट नॉर्मल ऐसा क्लीन कर लीजिए। आप बस डायरेक्शन को ही फॉलो कीजिए, वही एप्लीकेशन बहुत पतला पतला करके। लगा दिए और अभी हम इसे रिमूव करते हैं। और वैक्सिंग खत्म होने के बाद तुरंत हम उसको क्लीन कर देंगे, नहीं तो स्टिकी स्टिकी रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम तुरंत उसको नॉर्मल वाटर में, आप वेट वाइप्स यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप स्पंज यूज कर सकते हैं। तो बस अभी हो गया, अभी हम इसको वेट वाइप में क्लीन करेंगे। मैं वेट वाइप्स यूज कर रही हूँ, पहले इसको कैसे क्लीन कर देंगे अच्छी तरह से। और ये क्लीन होने के बाद हम एस्ट्रीजेंट हो या मॉइस्चराइजर लगाएंगे, पर मैं प्रीफर एस्ट्रीजेंट लगाने से ज्यादा अच्छा लगता है, जो रैशेस हो या इचीनेस हो वो कम होता है।
ये एस्ट्रोजन है और ये इसको अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे तो हमारा जो मतलब स्किन से ठीक है इसको बस ऐसे लगा के छोड़ देंगे फिर हो गया। आपको ये वीडियो में एक साथ मैं आपको दिखाऊंगी और यहाँ पे जो ट्रेनिंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। और नेक्स्ट के लिए बाय बाय।